बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें। आज की वीडियो में जो रेसिपी आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ वो बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की है। इस वक्त लाहौर में जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो इस मौसम में, बारिश के मौसम में, दिल करता है चाय के साथ पकोड़े, समोसे, कबाब, इस तरह की चीज़ें गरम गरम खाने का। तो मैं ये बनाने लगी थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं। आज मैं बना रही हूँ चना फ्राई कबाब। बहुत आसान है और घर में इजीली इंग्रेडिएंट्स हमारे जो हैं वो मौजूद होते हैं और इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट आता है और बहुत मज़े का आता है। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैंने 2 कप चने लिए और 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। उनको बहुत अच्छी तरह से बॉईल कर लिया थोड़ा सा नमक डाल के। याद रहे कि ये आलू और चने बहुत ज़्यादा हमारे सॉफ्ट होने चाहिए। और ये मीडियम साइज़ की मैंने प्याज लिए, इसको मैंने चॉप कर लिया, और थोड़ा सा हरा धनिया, इसको चॉप कर लिया। 4 से 5 मैंने छोटी तेज़ वाली हरे मिर्चें ली हैं और इनको भी मैंने चॉप कर लिया। स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून चाट मसाला। इसमें मिर्चें और नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम डालेंगे बेसन, और इसकी कोटिंग भी बेसन में होगी और ये बिल्कुल ड्राइंग बेसन में हम इसकी कोटिंग करेंगे, इसलिए इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा और बहुत डिफरेंट आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने आलू और जो चने हैं उनको बहुत अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ये देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से मैंने इनको मैश कर लिया। इस तरह का हमें चाहिए इसका पेस्ट। और अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही प्याज, धनिया और हरी मिर्च भी ऐड करते हैं। अब इनको मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे और अगेन इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बेसन अच्छी तरह मिक्स हो गया है। याद रखें कि आपने बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना वरना इसमें फिर कच्चापन आएगा। तो अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे, कबाब बना लेंगे अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ में लेंगे, हमें ये बहुत बड़े साइज़ की नहीं बनानी, मीडियम बनानी है, क्योंकि अगर हम बड़े साइज़ की बनाएंगे तो ये टूट जाएंगे। ये कबाब चूँकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये परफेक्ट साइज़ है तो इसी तरह से मैं बाकी सारी भी बना लूँगी। मैंने अपने कबाब जो है वो बना लिए हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। इसको हम तवे पे फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि इसको तवे पे फ्राई करें। फ्लेम ऑन करके मैंने तवा जो है वो रख दिया है चूल्हे पे। कोटिंग मैंने कर लिया है, अब इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल भी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो अच्छी तरह से पकी हुई हैं।
थोड़ा सा साइड से करेंगे। और एक साइड गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इसकी साइड चेंज करते हैं। दोनों साइड से जो है वो अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। और इसको सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको डिश आउट कर ली है, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के हमारे जो चना फ्राई कबाब हैं वो तैयार हो गए हैं। और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक देना है। ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है, आपको ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके मुझे इसका फ़ीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।